सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे इंटर्नशिप्स के बारे में, और मोस्टली इंजीनियरिंग ओरिएंटेड। कि पहले तो इंटर्नशिप होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले अगर हम एक तरीके से समझे इंटर्नशिप का मतलब, तो ज्यादा कुछ नहीं, आप कॉलेज में जो भी चीजें सीख रहे हो उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में जाकर करके या फिर सीख कर आना। तो यहाँ पर कुछ तरीके के इंटर्नशिप होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पेड इंटर्नशिप, दूसरा है नॉन पेड इंटर्नशिप। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप करने जा रहे हो और उसके बदले आपको पैसे दे रही है कंपनी, तो वो फिर पेड इंटर्नशिप हो गया। लेकिन अगर आप काम करने जा रहे हो, इंटर्नशिप करने जा रहे हो कंपनीज में, और उसके बदले आपको पैसे नहीं मिल रहे, फ्री में आप काम करके आ रहे हो इंटर्नशिप्स में, तो वो हो गया नॉन पेड इंटर्नशिप। अभी ये काम का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी अभी हम डिस्कस करेंगे। चिंता मत करिए, बहुत इनडेप्थ वीडियो होने वाला है। और इसी के साथ कुछ वैरायटी और होता है कि आप पैसे देकर इंटर्नशिप कर रहे हो, या फिर आप कोई एग्जाम क्रैक करके, या फिर किस प्रकार से इंटर्नशिप कर रहे हो। तो अगर आप पैसे देकर इंटर्नशिप कर रहे हो, इसमें यूजुअली छोटे मोटे कंपनी, छोटे फैक्ट्रीज हो सकते हैं, वहां पर पैसे देकर इंटर्नशिप हो रहा होता है, वहां कोई एग्जाम नहीं होगा। आपने कोई कंपनी देखा, इसमें इंटर्नशिप निकली हुई है, अच्छा पैसे डिमांड कर रहे हैं, मैंने इतना पैसा दिया, वो मुझे इंटर्नशिप करा देंगे। बहुत बार क्या होता है, इस तरीके की कंपनीज में इंटर्नशिप के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, इंटर्नशिप के नाम पे आपने पैसे भर दिए, 1-2 महीने जितने भी दिनों का इंटर्नशिप है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत सारे केसेस में इंटर्नशिप भी हम कर रहे होते हैं। वहां जाकर कंपनी में हमें जो भी बोला जाता है कि अच्छा आज हम ये कर रहे होंगे, आज हम ये सीख रहे होंगे, वो सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या करना होता है, क्या सीखना होता है, अभी हम देखेंगे। अभी तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो कॉलेज के थ्रू जो इंटर्नशिप्स लगते हैं, जो हम बोलते हैं ना, इस कॉलेज में इंटर्नशिप प्लेसमेंट लगता है, नहीं, तो कॉलेज के थ्रू जो इंटर्नशिप्स लगते हैं वो मोस्टली आपके पेड होते हैं। यानी कि आप जब इंटर्नशिप करने जाओगे, उसके पैसे आपको कंपनी दे रही होगी, और उसमें आपको पैसे देकर नहीं जाना। उसके लिए बेसिकली जब कंपनीज आएंगी आपके कॉलेज में, तो कुछ एग्जाम कंडक्ट करवाएंगी, कुछ एक एप्टीट्यूड राउंड, ये सारी चीजें क्या होती है हम आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और फिर आपका इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, ये सारी चीजें अगेन हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो एक पर्टिकुलर एक टेस्ट, एक एग्जाम के थ्रू कॉलेज में जब कंपनी आती है, तब आपको इंटर्नशिप मिल रही होती है। और इस तरह की इंटर्नशिप यूजुअली पेड होती है, मतलब कि आपको उसके बदले पैसे मिल रहे होंगे। अब जान लेते हैं कि इंटर्नशिप के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, तो 1 से 2 महीने का वोकेशनल ट्रेनिंग होगा। एक कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है, उस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे होते हैं, तो इसी का हम नाम कुछ लोग इंटर्नशिप भी दे देते हैं। लेकिन ये बेसिकली इंटर्नशिप से अलग होता है। वोकेशनल ट्रेनिंग आप प्योरली चीजें सीख रहे होते हो, कुछ काम नहीं कर रहे होते हो। यहाँ उसके बदले आपको जाहिर सी बात है कोई पैसे नहीं मिल रहे होंगे। यूजुअली इसे हम पैसे देकर ही ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। इंटर्नशिप इससे अलग होता है। अब जब कंपनीज में आप जाते हो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, तो वो सर्टिफिकेट पे कभी वोकेशनल ट्रेनिंग स्लैश इंटर्नशिप लिख देते हैं, या फिर स्लैश प्रोजेक्ट, बट इसे हम इंटर्नशिप में नहीं काउंट कर रहे होते हैं। जिसे आप लिटरली इंटर्नशिप कहते हो, वो आपका वही होता है कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में जब कंपनीज आती हैं आपके कॉलेज में, और आपको एग्जाम देते हो, उसके बाद कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और फिर आप इंटर्नशिप के लिए अगले साल जा रहे होते हो। ये एक तरीके का इंटर्नशिप हुआ। या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच से हो, तो उस समय आप फर्स्ट ईयर में ही अगर आपने कुछ सीख रखा है, तो वेब डेवलपमेंट के लिए किसी भी स्टार्टअप में आप अप्रोच कर सकते हो इंटर्नशिप्स के लिए, वो फर्स्ट ईयर में भी ले लेते हैं। तो ये तो हो गया, आप अपने तरफ से अप्रोच कर रहे हो, ऑफ कैंपस जिसे हम कहते हैं। अगर खुद से अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑफ कैंपस होता है, कंपनीज के पास जा रहे हैं कि मैंने ये सीख रखा है, क्या इंटर्नशिप मुझे मिलेगी। तो ये सारी चीजें ऑफ कैंपस में हो गई, जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से भी कर सकते हो। लेकिन ये मोस्टली वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, इसका हो रहा होता है। अगर हम कोर जॉब्स की बात कर ले, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये सब में, तो यहाँ आपका यूजुअली थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कंपनीज विजिट करेंगे आपके कॉलेज में, जिसे हम ऑन कैंपस इंटर्नशिप कहते हैं। आपका कुछ सर्टेन कुछ एग्जाम होगा, इंटरव्यू राउंड होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो फिर अगले साल के जब गर्मी छुट्टी होगा, यानी फोर्थ ईयर का जब स्टार्ट होने वाला होगा, उसके जस्ट पहले वाला जो गर्मी छुट्टी होता है, उस समय हम उस इंटर्नशिप के लिए जा रहे होते हैं। ये बेसिकली 2 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है। और इसी इंटर्नशिप में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो,
यानी इस इंटर्नशिप में जब आप कंपनी में जाते हो, काम करते हो, आपको कंपनी कुछ काम देती है कि ये सारी चीजें आपको करनी है। अब आपको तो कुछ आता नहीं, आप तो कॉलेज में पढ़ने वाले बंदे हो, तो आप कैसे करोगे वो इंटर्नशिप में जो भी काम दिया जा रहा है? तो आपको कुछ सीनियर्स, आपको मतलब वहां पे और लोग होंगे ना जो काम कर रहे हैं, वो सारे लोग आपको मिलते हैं, गाइड किया जाता है आपको ऐसे ऐसे काम करना है। तो एक तरीके से आप सीख भी रहे हो और कंपनी का काम भी कर रहे हो। तो ये जो आप सीख रहे हो ना, जो सीनियर्स आपको गाइड करेंगे, ये सारी चीजें काउंट होती है प्लेसमेंट के दौरान कि इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा है। और सीखने के बाद जो उसी समय जो आप इंटर्नशिप में काम कर रहे होते हो, उसी के आपको कंपनीज पैसे दे रही होती हैं। तो यहाँ दोनों तरीके से बेनिफिट हो जाती है, यानी कि प्लेसमेंट के लिए आप कुछ सीख गए, रेज्यूमे सीवी में कुछ ऐड हो गया, और साथ ही साथ आपने कंपनी में रह के कुछ काम भी किया है, सीखते भी रहे, काम भी किया, तो उसके पैसे भी मिल रहे होते हैं। तो कितनी तरीके की चीजें होती मैंने बता दिया। अच्छा, ये बीच में मैं बोल रहा था ना कि अगर आप रहते हो कंपनी में, अच्छा सा काम करते हो, तो उस समय आपको मिलता है पीपीओ, प्री प्लेसमेंट ऑफर, यानी कि प्लेसमेंट में आप बैठने की जरूरत नहीं, आपको इंटर्नशिप मिला। अगर आपने इंटर्नशिप में बहुत अच्छे से काम किया, वहां जो भी मैनेजर एचआर जो भी लोग हैं, अगर उनको आपका काम पसंद आता है, तो वो आपको पीपीओ दे देंगे, मतलब कि आपको प्लेसमेंट लग गई उसी कंपनी में। अब आपका मर्जी है। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि वो पीपीओ आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप चाहते हो कि नहीं, अभी जो प्लेसमेंट राउंड होगा, जैसे अभी तो आपने थर्ड ईयर के बाद जो गर्मी छुट्टी खत्म हुआ उसमें गए थे ना आप इंटर्नशिप करने, उसी समय पीपीओ मिला, तो उसके बाद अगर आप पीपीओ से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो जस्ट उसके बाद जो फोर्थ ईयर में फिर प्लेसमेंट ड्राइव चालू होगा, आप चाहते हो कि मैं उसमें बैठूं प्लेसमेंट्स के लिए, क्या पता और कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाए। तब यहाँ यूजुअली दो केसेज होते हैं, किन्हीं कॉलेजेस के जो टैप टीम होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम, जो कि कंपनीज बुलाती है प्लेसमेंट के लिए, पूरा प्लेसमेंट आपका वही देखती है, तो वो डिपेंड करता है आपको परमिशन देती है कि नहीं देती है। बहुत बार होता है अगर आपको पीपीओ मिल गया है, तो फिर प्लेसमेंट में आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। और यूजुअली ये पीपीओ काफी अच्छे होते हैं, मतलब अच्छा खासा लेवल का पीपीओ होता है, वैसे ही कंपनीज पीपीओ दे रही होती हैं, तो स्टूडेंट्स खुश भी रहते हैं यार। बट बहुत बार होता है कि पीपीओ भले ही मिल गया है, लेकिन टैप टीम के ऊपर है, अगर वो आपको अलाउ करती है, तो आप फर्दर और प्लेसमेंट्स में बैठ सकते हो। और प्लेसमेंट्स की भी अगर हम बात कर ले, तो यहाँ ऐसा होता है ना कि अगर प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है, शुरू में बढ़िया कंपनी जाएंगी, तो अगर आपका किसी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, तो आप फर्दर कंपनी में नहीं बैठ सकते, अनटिल एंड अनलेस कुछ बैरियर होता है, 75% या 80% स्टूडेंट्स प्लेस्ड हो गए हों। ये यूजुअली इसलिए किया जाता है ताकि एक ही स्टूडेंट को बार बार कंपनी अप्रोच ना कर रही हो, एक ही स्टूडेंट को सारे ऑफर्स ना मिल जाए, लगभग हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, इसलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो ये थोड़ा प्लेसमेंट पे आ गए, बट इंटर्नशिप ओरिएंटेड आपने समझ लिया कितने प्रकार की इंटर्नशिप्स होती हैं। कोडिंग वाला है तो फर्स्ट ईयर से भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो हम कॉलेज में इंटर्नशिप कहते हैं, वो आपका जैसे ही थर्ड ईयर चालू होता है, तो अप्रोक्स अगस्त सितंबर से आपके कंपनीज विजिट करना चालू कर देते हैं, समझ गए, इंटर्नशिप्स के लिए। अब इंटर्नशिप की तैयारी कैसे करें, तो समझिएगा, अगर कोर की कंपनी जा रही है इंटर्नशिप के लिए, तो आपके कोर के कुछ बेसिक बेसिक सब्जेक्ट होंगे। ये जो बेसिक सब्जेक्ट है, ये यूजुअली सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, आपके अपने कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे सेकेंड ईयर में भी आपको कुछ इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं, कुछ दूसरे ब्रांचेस के भी सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि थोड़े थोड़े दूसरे ब्रांचेस का भी आपको आइडिया हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर आप कुछ बना रहे हो, तो आपका प्योर अपने डोमेन में नॉलेज होने से नहीं चलेगा, थोड़े बहुत दूसरे दूसरे ब्रांच का भी नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो इसके लिए थोड़े बहुत अलग अलग ब्रांचेस के भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड ईयर में जो प्योर आपका अपना ब्रांच का सब्जेक्ट है, वो सारे सब्जेक्ट्स, अगर कोर में आप कोर की इंटर्नशिप लेना चाहते हो, उन सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर लीजिए। एप्टीट्यूड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये कहाँ मिलेगा, तो इंडिया बिक्स, INDIA, बी बी फॉर बॉल, आई आई फॉर इंडिया, एक्स एक्स फॉर जेरोक्स। तो इंडिया बिक्स के वेबसाइट पर आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। कोर की कंपनीज आ रही है, तो ग्रुप डिस्कशन एक होता है, ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली आपके कुछ फ्रेंड्स बैठ रहे होते हैं, मतलब एक पैनल बनता है 5-10 स्टूडेंट्स का, फिर उसमें कुछ एक टॉपिक दिया जाता है, आपस में एक कन्वर्सेशन करनी होती है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो में ला दूंगा अगर आप डिमांड करोगे तो ये सारी जो चीजें, ग्रुप डिस्कशन में किस तरीके के टॉपिक्स आ रहे होते हैं, किस टॉपिक के ऊपर हमें डिस्कस करना है, ये सारी ही आपको इंडिया बिक्स के वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो वहां से आप ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कर सकते हो। इंटरव्यू में यूजुअली किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एचआर इंटरव्यू में, वो सारी चीजें आपको इंडिया बिक्स पे मिल जाएंगी। ये इंटर्नशिप और प्लेसमेंट दोनों के लिए ही फ्रूटफुल है।
और उसके साथ साथ आपको कोर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए जो सेकेंड ईयर में यूजुअली पढ़ाया गया आपके कोर ब्रांच का सब्जेक्ट, तो इससे आपका इंटर्नशिप निपट गया। प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, बट प्रोसेस थोड़ा सा और टफ हो जाता है किसी कॉलेज में किसी कॉलेज में, यूजुअली ऐसा ही होता है जो इंटर्नशिप में हुआ वही सारी चीज़ें, लेकिन सब्जेक्ट्स अब और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे ना। अब आपको थर्ड ईयर के भी काफ़ी कुछ सब्जेक्ट्स के नॉलेज होने चाहिए क्योंकि प्लेसमेंट तो फोर्थ ईयर में होगा, तो फोर्थ ईयर में जाते जाते तो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों के सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो। फर्स्ट ईयर वाला यूजुअली उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि फर्स्ट ईयर में मोस्टली आपके 11th 12th के सिलेबस होते हैं, एक दो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा अगेन वही जो आपके ब्रांच का सब्जेक्ट है। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तो कोर मैकेनिक्स के सब्जेक्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ना होता है कोर की अगर बात कर ले हम। फिर आपका इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस देख लीजिए, ग्रुप डिस्कशन अपने फ्रेंड्स के साथ करना स्टार्ट कर दीजिए अगर इंटर्नशिप आ रहा हो, अभी से इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो बेसिक बेसिक यही सी चीज़ें होती हैं इंटर्नशिप में, और इससे ज़्यादा क्या ही बताऊँ। अच्छा, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भैया क्या अगर मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी तो प्लेसमेंट में कुछ दिक्कत होगी, तो यार नहीं, ऐसी एज सच कुछ इंटर्नशिप अगर आपकी नहीं लगी है तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, इंटर्नशिप मतलब ऐसे प्लस पॉइंट हो जाता है। आप बताइए, एक बंदा है जिसने पहले से इंटर्नशिप किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में इंटर्नशिप कर रखी है, तो आप एज ए इंटरव्यूअर, आप एज एन एचआर किसे हायर करोगे? एक बंदा जो इंटर्नशिप कर रखा है, एक बंदा जो इंटर्नशिप नहीं कर रखा है, ऑफकोर्स इंटर्नशिप वाले को। लेकिन अब यहाँ एक केस देता हूँ, इंटर्नशिप वाले ने इंटर्नशिप तो कर रखा है और दूसरा बंदा जो इंटर्नशिप नहीं कर रखा है लेकिन नॉलेज इसके पास ज़्यादा है क्योंकि ये खुद से अलग अलग चीज़ें रिसर्च करता रहता था, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज इसके पास ज़्यादा है, तो अब यहाँ प्रायोरिटी इस बंदे को मिल जाएगी। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने इंटर्नशिप नहीं की तो आपको प्लेसमेंट नहीं लगी, पूरा प्योर यहाँ होता है कि आपके पास नॉलेज कितनी है, तो इसी पे डिपेंडेंट है कि आपने पेड इंटर्नशिप की है, नॉन पेड की है, पैसे देकर की है, वो मैटर नहीं करता। इंटर्नशिप में आपने क्या चीज़ें सीखी है वो मैटर करता है, आपने एक इंटर्नशिप की है, दो इंटर्नशिप की है, फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा फ़र्क पड़ता है आपने इंटर्नशिप में सीखा क्या है। अगर इंटर्नशिप नहीं की हो तो अगेन आपके पास नॉलेज है कि नहीं है, आपने खुद से कुछ कर रखा है या नहीं, तो यही सी चीज़ें हैं। और अगर हम बात कर ले एक कोडिंग वाले बंदे के हिसाब से उनकी इंटर्नशिप कैसे हो रही होती है, ये छूट गया था, तो यहाँ समझिएगा आपके कुछ कोडिंग राउंड्स होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग जो रोल्स के लिए कंपनी आएंगी, तो कोडिंग राउंड होंगे कुछ। कोडिंग राउंड में बेसिकली आपका आ जाता है, आप कुछ भी एक लैंग्वेज पकड़ सकते हो, जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, कोई भी एक लैंग्वेज पकड़िए, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका प्रोग्राम लिख दीजिए। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स आपको पता होगा, फिर उसके बाद एक लैंग्वेज आपको पकड़कर चलना होता है, तो ये इतना ज़्यादा मतलब, और इसी के साथ एक प्रोजेक्ट भी होता है, तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स ये ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, इंटर्नशिप के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ढूंढी जाती। इंटर्नशिप के लिए बेसिकली कुछ कोडिंग राउंड के क्वेश्चन होंगे, वो पूरा डिपेंड करेगा अपना कितना कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा है पहले से। फिर उसके बाद कुछ इंटरव्यू राउंड होगा, कोई कंपनी ग्रुप डिस्कशन करवाती है, कोई नहीं करवाती कोडिंग राउंड कोडिंग कंपनीज में, तो बेसिकली यही सारी चीज़ें हो रही होती हैं। कुछ डेटा एनालिटिक्स कंसल्टेंसी की भी कंपनी आती है, तो उनके भी एप्टीट्यूड के कुछ एग्जाम होते हैं, कुछ एप्टीट्यूड और टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस एक एग्जाम होगा, वहाँ कोई कोडिंग राउंड तो होगा नहीं क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में हम कोडिंग नहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल का एक एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, बस इंटर्नशिप के लिए इतना ही है। पूरा है कि अगर आप ढंग से अगर पहले से कुछ मेहनत करते हुए आ रहे हो ना तो आराम से हो जाएगा, और अगर पहले से मेहनत नहीं भी कर रहे हो तो भी इंटर्नशिप आने से एक दो महीने पहले चालू हो जाइए, जो गर्मी छुट्टी आपको मिलती है थर्ड ईयर जस्ट चालू होने से पहले, उसमें अगर प्रैक्टिस कर लोगे इंटर्नशिप मिल जाएगा। बट जाहिर सी बात है लोग हवा में उड़ने लगते हैं जिसकी वजह से प्रिपरेशन हो नहीं पाती, और जब कंपनी जाती है इंटर्नशिप के लिए तब बहुतों की इंटर्नशिप नहीं हो पाती, और यूजुअली हम देखते हैं इंटर्नशिप थोड़ा सा टफ और हो जाता है प्लेसमेंट से, क्योंकि इंटर्नशिप में यूजुअली हम जो कॉलेजेस है बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज बुला रही होती हैं, उतनी नीचे वाली कंपनीज नहीं बुला रही होती हैं, और इंटर्नशिप में ज़्यादा कंपनीज भी नहीं अप्रोच करती हैं, तो इसलिए इंटर्नशिप क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन कंपेरिजन टू प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स में आपकी टैप टीम ट्राई करेगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत नीचे की कंपनी भी हो गई चलेगी, क्योंकि ट्राई करना हर बच्चे को इंटर्नशिप नहीं तो कम से कम प्लेसमेंट तो लगी जाए, तो ये ग्राउंड रियलिटी होती है, ये सीनियरियो होती है, ये होता है इंटर्नशिप को लेकर, जितना आपको अभी जानना चाहिए
क्योंकि मुझे उम्मीद है अभी ये वीडियो ज्यादातर मेरे फर्स्ट ईयर के जो भी ऑडियंस है वही सारे लोग देख रहे होंगे, और अगर इन फ्यूचर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट देख रहे हों तो काफी कुछ चीजें मैंने ऐसी बता दी है कि आपको भी हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।